आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है, हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है, जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं, अपने नेता के मिशन को जमीनी धरातल पर उतार करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और बिना भेदभाव के योजनाओं को जनता जनार्दन के लिए समर्पित करने का काम भी कर रहे हैं, और साथ साथ बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण में भी योगदान दिलवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधियों का और दंगाइयों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन आपने दिल्ली की सत्ता जिस उद्देश्य से हासिल की थी, याद करिए, आपने कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे जी के मिशन को कलंकित किया। अन्ना हजारे जी ने एक पवित्र मिशन चलाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पुख्ता किया था, और आज भ्रष्टाचार में लिप्त देश के पहचान का संकट खड़ी करने वाली, भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाली, भारत के विकास को बाधित करने वाली, भारत के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली, भारत के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाली कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके आप उसके पाप में शामिल हो गए हैं। और यही कारण है, देखो संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए, और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे सौंपने का प्रयास, थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं, आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हांफते हुए दिखाई दे रही है। क्या कर दिया है आपने दिल्ली को? अरे आपको स्कूल का मॉडल देखना है तो मोदी मॉडल देखो, अटल आवासीय विद्यालय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यूपी के अंदर बने हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,36,000 विद्यालयों का जो ऑपरेशन कायाकल्प हुआ है, आकर के कभी यूपी में टहल तो लो, देख तो लो। वैसे विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य को अजमा चुके हो, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मोदी जी का समर्थन किया है, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाई है, और आपको कहा है कोई आपके लिए ठिकाना यूपी के अंदर नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको अन्ना हजारे के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए था, दिल्ली की जनता को स्वच्छ माहौल देना चाहिए था। अगर तुलना दूर मत करिए, आपने 15 वर्ष में दिल्ली को कितना नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है।